दोस्तों लग रहा है कि ये जनरल कोच है। आपके अंडर में क्या है, आपके अंडर में क्या है, आप क्या करवा सकते हैं? तो यार बहुत गंदा दिख रहा है ये, नीचे सब पानी, पाइप भी यहाँ से खुल गया है। सॉरी दोस्तों, एक कमाख्या स्टेशन जस्ट आ चुका है यहाँ पर। गाइस आप देखो यार, यहाँ पर पूरी तरह से धान की खेती हो रखी है, जबकि हमारे साइड में भी गेहूँ कट रहे हैं। ट्री बम्बू हाउस देखने को मिल ही गया, ये नीचे ये सारे बम्बू हाउस है दोस्तों। गुवाहाटी सिटी एंड गुवाहाटी का रोड। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों, एंड एक नए सफर में स्वागत है। तो गाइस अभी मैं फिलहाल हूँ हाजीपुर स्टेशन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो गाइस आज की जो हमारी सफ़र होने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार सफ़र होने वाली है। तो मैं बता दूँ, आज की जो सफ़र होने वाली है मेरी, जो है बिहार से नॉर्थ ईस्ट की सफ़र होने वाली है। और गाइस जो ये सफ़र होने वाली है, जो हमारी ट्रेन है अवध असम एक्सप्रेस, इसी से होने वाली है, जो कि काफ़ी डिले चल रही है। यहाँ मॉर्निंग में 5:30 बजे का टाइम था, बट यहाँ पर अभी बज गए हैं 9:30। अभी तक ट्रेन का कोई ज़्यादा पता नहीं है, 8 घंटे डिले चल रही है। मतलब हमको लगता है कि यहाँ पर 11 बजे के ऑलमोस्ट यहाँ पर पहुँचेगी। तो पूरी रात जग कर सिर्फ मैसेजेस पड़े हैं, क्योंकि रेलवे की ओर से बार बार हमको हर घंटे एक मैसेजेस आते थे कि ट्रेन इतने डिले चल रही है और क्या डिले चल रही है। तो ये मैसेजेस देखते देखते मैं पूरी रात जगा हूँ यार। और मैं बता दूँ, बक्सर से मैं कल ही आ गया था यहाँ पर, 12 बजे तक मैं यहाँ तक पहुँच गया था, और 12 बजे के बाद यहाँ कंटिन्यू यहाँ जगा हूँ यार। समझो यार क्या स्थिति बनी हुई है मेरी। अभी सोच रहा हूँ थोड़ा बाहर जाऊँ, चाय वगैरह पीऊँ और थोड़ा फ्रेश होकर दोबारा से हम मिलते हैं ट्रेन आने के बाद से। तो गाइस अभी ट्रेन आने में काफ़ी समय है, तो मैं अभी सोच रहा था क्यों नहीं पूरी स्टेशन को घूम लिया जाए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर तो बहुत कम ही आना जाना होता है हाजीपुर जैसे स्टेशन पर। और गाइस अभी पीछे एक लिफ्ट था और इधर भी एक लिफ्ट है, एंड अभी आपका पीछे का व्यू दिखा। आप इधर देखो, यहाँ पर लगभग 5 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है। अभी ये लास्ट से जा रहा है इधर, और शायद हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म 4 पे आने वाली है। मैं अपने बर्थ पे प्रॉपर तरीके से आ चुका हूँ यार, बहुत दिक्कत हुआ है, क्योंकि अब मैं बता दूँ इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ, वीडियो में बिल्कुल ही शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कैसे कैसे मैं अंदर आया हूँ वहीं बहुत ज़्यादा हो गया। और जो है अपना बर्थ तो कंफर्म था भाई, तो अभी मैं अपर बर्थ पे लेटा हूँ, क्योंकि रात भर मैं जगा था, और बाकी जन है जितने लोग हैं सारे नीचे बैठ गए, एडजस्ट पूरी तरह से हो गया। अब भाई भीड़ इस गाड़ी में यार भयंकर, इतना भयंकर भीड़ है कि इसमें लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा सकते यार, वॉशरूम तो पूरा पूरी तरह से पैक हो रखा है। अभी मैं आपको भीड़ को दिखाता हूँ किस टाइप का इसमें भीड़ हुआ है। दोस्तों लग रहा है कि ये जनरल कोच है, कचक के भरे हुए हैं लोग, नीचे थोड़ी भी जगह नहीं है। बर्थ नहीं मिल रहा, वही तो पूछ रहे हैं कि इतना दूर ट्रैवल करने के बाद कोई आया ही नहीं, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ कोई बैठा है कि नहीं बैठा। हम आकर जस्ट बैठ रहे हैं, ये सब पूछ लीजिए, यहाँ पर कोई और बैठा था, यहीं से बोर्डिंग कहाँ से था, बोर्डिंग हाजीपुर से मेरा, इधर उधर इधर उधर दौड़ रहे हैं, मुजफ्फरपुर चढ़ा हूँ। जनरल टिकट वाला इसको पूरा चेक रखा है, बोलो खाली करने के लिए, तगड़ा करने के लिए तैयार। दोस्तों ट्रैवल करते करते आ चुके हैं कटिहार जंक्शन, और भाई ये 7 घंटे लेट है ये ट्रेन अवध असम एक्सप्रेस। इसमें एसी से लेकर स्लीपर तक दोनों में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा। तो लग रहा है कि ये जनरल का कंपार्टमेंट इस टाइप का कुछ लग रहा है। अभी यहाँ से लगभग 12-13 घंटे की सफ़र बाकी रहेगी है, और मैं नहीं चाहता कि कबाड़ा हो, दवा खा खा कर तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। इंडियन रेलवे यार बहुत गंदा दिख रहा है ये, नीचे सब पानी, पाइप भी यहाँ से खुल गया है, वॉशरूम तो बिल्कुल भी जा नहीं सकता है। तो गाइस अभी लगे हुए हम लोग कोच को सफाई कराने में, यहाँ का तो स्टाफ का कोई पता ही नहीं है, टीटी भी हाथ खड़ा कर दे रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है, अभी उसी को खोज रहे हैं कब सफाई चालू करेगा। बताओ कि हम लोग को इतना अवेयर होना पड़ रहा है, फिर भी ये सुनने को तैयार नहीं है, टिकट निरीक्षक में पूछना पड़ेगा। भाई यार सब हाथ खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, और सारे लोग जितने भी पैसेंजर हैं यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सफाई करने का। अब चलते हैं देखते।
सर आप ये बता दीजिए हमें, हम लोग वॉशरूम कहाँ जाएं? वॉशरूम कहाँ जाएं? आप स्लीपर क्लास के टीटी हैं ना, तो आप बताइए वॉशरूम कहाँ जाएं? हम नहीं कर रहा है सर, तो अलाउंसमेंट भी कर रहा है। हम खुद गए हैं लंच, हम करवाने करवा के आ रहे हैं टीटी से मिलकर। टीटी से किससे बात कर रहे हैं बताइए? यहाँ आप सही बता देते, यहाँ टीटी भी चेकिंग करने के लिए नहीं है। एक देखिएगा ना, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, सबका स्थिति वही है। हम सब कोच को चेक करके आ रहे हैं। ये क्या प्राइवेट कर रही है क्या? इंडियन रेलवे कर रही है, ठेका पे है। बताइए हमको वॉशरूम जाना है, हम बड़े परेशान हैं हम कब से। आप बताइए फैमिली लेकर सब चल रहा है, कैसे लेके चलेगा बताइए? जनरल होता तो समझ में आता, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यार लाख करने के बाद भी एक कंप्लेन वगैरह की घंटा कुछ तो कोई सुन रहा है। गंदगी भाई उड़ा है। दाल खोला। अभी भाई नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है किशनगंज, फिलहाल तो दाल खोला है। मे बी हमको लगता है कि ये बंगाल में आता है, फिर दिन बिहार में जाएगा, फिर बंगाल में जाएगा। तो भाई साहब अभी 11 बजे किशनगंज स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंच चुकी है। हालांकि इसको यहां पर 3 बजे तक पहुंचना होता है, बट इतना देरी के कारण 11 बज गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी पहुंच चुके हैं असम, एंट्री हो गई है। ऑलमोस्ट इसमें 1 घंटे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट अभी मैं उठा हूँ। अरे अभी कामाख्या में सोचा था उठने के लिए, बट अभी कामाख्या भी पार नहीं हुआ, इतना गाड़ी डिले चल रही है। और पेंट्री के पास जस्ट आया था सुबह सुबह चाय पीने के लिए। और दोस्तों असम एंट्री करते असम की जो वाइब्स होती है दिखने लगी, आपको यहाँ के कुछ कुछ खास दिखाता हूँ। हो गया ना, यहाँ पर सामने असम के घर सारे दिखने लगे, एंड बम्बू ट्री जो होते हैं उधर सारे बहुत हमको पीछे में दिखे और आगे भी दिखेंगे। आप हैं स्लीपर के टीटी, सुन रहे हैं आप हैं? ऐसे ही जाएंगे हम लोग। बोलिए क्या करना है, अब कर दीजिए। एक काम कीजिए ना, साफ हो जाएगा, गंदा है, पानी आ रहा है, आप साफ कीजिएगा। अभी हमें करना है, बोलिएगा तो आप ही ना बोल रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप बोलिए तो हम कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या है उसमें, क्या है काम? तो काम ही है, आकर जाकर देखिए, मेरा बैग भीगा हुआ है वहाँ पर। आप बोलने से पहले मेरा कंट्रोल से बात हो गया है 2 बार, और 2 बार कंट्रोल क्या कर रहा है ये देखिए। एक बार ये मेरा मैसेज है, पढ़िए पहले इसको, पढ़िए ना, एक बार पढ़ लिए, आप एक बार पढ़ लीजिए ना, ये दूसरी बार का मैसेज है, पहली बार का मैसेज भेज रहे हैं। पानी तो आ गया बैग में, पानी तो न्यू बड़ागांव में हो गया, मुजफ्फरपुर में डाला था ये ना, मुजफ्फरपुर न्यू बड़ागांव में पानी डाला, नहीं मुजफ्फरपुर में पानी नहीं था। हम कंप्लेंट कराए तो मुजफ्फरपुर में पानी डाला था, तो आपका पूछा पानी वो खत्म हो गया था, अभी खत्म हो गया होगा, ये तो न्यू बड़ागांव में पानी डाला। बताइए पूरा रेलवे एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, स्थिति ये हो गई है कि कंप्लेन व्हाट्सएप पे जा रहा है, वही प्राइवेट हो गया ना, व्हाट्सएप पे जाएगा, फोन पे बात होगा, कोई लिखित रिटेन कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब पेपर इंडिया पेपरलेस हो गया। क्या बना हुआ है दोस्तों? तो गाइस देखो यार, यहाँ पर बम्बू ट्री, बम्बू हाउस देखने को मिल ही गया। ये नीचे ये सारे बम्बू हाउस हैं, बांस के ऊपर खड़े हैं सारे, एंड उसी के ऊपर घर बना हुआ है। गुवाहाटी सिटी एंड गुवाहाटी का रोड। सॉरी दोस्तों, ये कामाख्या स्टेशन जस्ट आ चुका है यहाँ पर, अब देख रहे हो कामाख्या जंक्शन, एंड ये रही इसके स्टेशन जो कि मैं फर्स्ट टाइम ये विजिट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी कामाख्या स्टेशन पर जस्ट रुकी हुई है, एंड कामाख्या के बाद जस्ट अगले स्टेशन पे गुवाहाटी, वहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉपेज होगा।
फिर हम लोग गुवाहाटी गुवाहाटी स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। अपनी ट्रेन है आ चुकी है गुवाहाटी स्टेशन, और यहाँ से ऑलमोस्ट जो ट्रेन है पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और आसाम जो एक्सप्रेस है। ओह माय गॉड यार, क्या व्यू दिख रहा है, भयंकर हुआ है। नारियल के पर नारियल का पेड़ है, धान का खेती। गाइस आप देखो यार, यहाँ पर पूरी तरह से धान की खेती हो रखी है, जबकि हमारे साइड में भी गेहूँ कट रहे हैं, शायद गेहूँ कटे भी नहीं अभी। अरे देखो धान। तो गाइस अभी चाकरबुक जंक्शन से जस्ट अभी ट्रेन खुल चुकी है, और यहाँ से भाई अभी 12 स्टॉपेज के बाद हमारा जो है फाइनल स्टेशन पहुंचने वाला है। अब कंडीशन भाई देख ही रहे हो यार, अभी जो 2 बजे पहुंचने का टाइम था और मैं अभी तक 11 स्टेशन पीछे हूं। बम्बू हाउस दोस्तों, अरे वाह, यहाँ पर पूरी तरह से ये भी देखो बम्बू हाउस है ये सब। और भाई पीछे रिस्ट्रिक्शन कुछ गाइडलाइन लिया हुआ था, हाथी का फिगर बनाकर और क्रॉस का चिन्ह डाला हुआ था, मीन्स ये हाथियों का एरिया ही है, कभी भी निकल सकती है। भयंकर जंगल है यार, भयंकर। रंगा पहाड़ असम के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागालैंड में, और थोड़ी देर के लिए हम लोग नागालैंड में भी रहेंगे, एंड नेक्स्ट स्टॉप पे जो होने वाला है वो भी नागालैंड में ही होने वाला है। आई थिंक यहाँ से नागालैंड का बॉर्डर शेयर होता है असम के साथ, एंड ये जो स्टेशन है रंगा पहाड़ क्रॉसिंग करके कोई स्टेशन है। नेक्स्ट स्टॉप पे जो डीमापुर है नागालैंड में ही आता है। तो गाइस अभी डीमापुर पहुंच चुके हैं नागालैंड के अंदर। जो अपनी जर्नी है लगभग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि एक स्टेशन रह गया है तिनसुकिया पहुंचने के लिए। तो गाइस मैं बता दूं कि ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैं अवध आसाम से ट्रैवल कर रहा था, जो कि लालगढ़ से और डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। लगभग ये 4 दिन का सफ़र होता है भाई, 4 दिन का, और 4 दिन बाद हमको फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचना होता है। अगर ये शुरुआत से चलती है लालगढ़ से तो डिब्रूगढ़ 4 दिन बाद पहुंचती है, और लगभग ये कई स्टेट होकर आती है, जैसे कि यूपी आपका दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, एंड बंगाल, असम आपका, नागालैंड, एंड फिर असम में होकर ये ख़त्म होता है। एंड गाइस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा कि आप इस ट्रैवल करो या ना करो, तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी इस ट्रेन को चॉइस करो, बिकॉज ट्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है मेरे को, मतलब हालांकि रिजर्वेशन होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया हूँ ढंग से। तो अगर कोई अदर ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन है, तो उसको सजेस्ट जरूर करना, इसको बिल्कुल नहीं करना। तो गाइस अवध आसाम से उतर कर, मतलब सॉरी स्टेट से उतर कर अभी हम न्यू तिनसुकिया स्टेशन पर उतर चुके हैं, एंड यहाँ होती है मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कंप्लीट,
और ये रही हमारी कोच इधर साइड में। एंड दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो असम का ही होने वाला है, देखते हैं कहां तक की होने वाली है। चलते हैं बाहर।